आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। भारतीय संविधान देश की बड़ी शक्ति है सोलंकी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखकर तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और अन्य समिति के सदस्यों को भेंट किया। एक ऐसे संविधान की रचना जो आज देश की सबसे बड़ी शक्ति है, ये बात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास परिषद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर एन एस सोलंकी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सामाजिक विचार मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाचनालय में शाम 4 बजे संपन्न हुआ। मंचासीन विशेष अतिथि प्राचार्य अरुण कुमार सांवले, पूर्व सरपंच महेश सिटोले, डॉक्टर एम आर सोलंकी, बी आर सांवले, एन एस फौजी मंचासीन थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन कर शपथ दिलवाई गई। वक्ताओं ने भारतीय संविधान और वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक एकता को मजबूत बनाए जाने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर अजाक्स तहसील अध्यक्ष राजेंद्र मखवाने, एचआर कड़ोले, शंकर सांवले, सेवक राम कड़ोले, जगदीश खांडे, पूर्व सरपंच नीलाल प्रसाद, गोविंद भगवते, बीएस खांडेकर, एसआर भालेराव, टीआर भार्गव ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में दिनेश कोठिया, एनएस चौहान, एनके कोचले, बल्लू कनाडे, मिथुन खांडे, संदीप सांवले, आरसी सालवे, राहुल देव सोलंकी, विकास टैगोर सहित सामाजिक बंधु मौजूद थे। कार्यक्रम के आखिर में प्रदेश महासचिव डॉक्टर सोलंकी ने वरिष्ठ समाजसेवी बी आर सांवले को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास परिषद का खरगोन जिला अध्यक्ष मनोनीत करने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन पीएल भालसे ने किया और आभार एनएस फौजी ने माना। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट।